अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक क्विक सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आम भी आ गए हैं, तो आम से पहले आती है केरी। तो मैंने यहाँ पे केरी ले ली और केरी को अच्छी तरीके से धो लिया और खुश्क कर लिया, ठीक है। पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद आपने सभी केरियों को छील के इस तरीके से कट कर लेना है और गुठली इसकी अलग कर लेनी है, ठीक है। अब इन सभी केरियों को आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं और इस तरीके से कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये केरी की चटनी जो मैं बना रही हूँ, इसमें पानी का हमने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसे हम बना के रख सकते हैं 4 से 5 महीने के लिए। बहुत ही मज़ेदार लगती है, इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं और वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी केरियों को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और एक पैन में डाल दिया है, ठीक है। अब जितनी हमने यहाँ पे केरी ली है, उतनी ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, या आप चीनी अपने मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जितना भी मीठा आपको चाहिए हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितनी केरी ली, उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी भी इसमें शामिल कर दी। अब इसमें हम कोई पानी शामिल नहीं करेंगे, हल्की आंच पे छोड़ देंगे, चीनी पानी छोड़ेगी और उसी चीनी के अंदर, उसी पानी के अंदर ये केरी गल जाएगी। अब हम इसे पकाएंगे जब तक केरी गलती है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें जाएगा नमक, पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन, ठीक है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च भी, तो इसलिए पिसी लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शामिल की है। तो ये देखिए, पहले मैंने ये तमाम अज़ा डाल दिए, नमक, हल्दी, मिर्च और कलौंजी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी बिल्कुल कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा। शामिल करके अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और जब केरी अच्छी तरीके से गल जाएगी तो हम इस तरीके से इसे चम्मच से ही पीस लेंगे, तो ये आराम से पीस जाएगी। अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये पकती है। ये देखिए, इस तरीके से ही पकने के बाद हो जाएगी, इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब चूल्हा बंद करने से 1 मिनट पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। इससे ये काफ़ी देर तक चलेगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। और पानी हमने इसमें वैसे ही शामिल नहीं किया, चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, मज़ेदार सी केरी की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।